नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आईपीएल 2020 का आगाज 19 सितंबर से होने वाला है। सभी टीमों ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। 2008 की चैंपियन टीम राजस्थान रॉयल्स भी तैयारियों के साथ इस बार मैदान में उतरने के लिए तैयार है। टीम यूएई पहुंचकर अपना ट्रेनिंग सेशन की शुरुआत कर चुकी है। टीम दुबई में ठहरी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने इस साल टीम में कई बदलाव किए हैं। कई बड़े खिलाड़ी टीम से बाहर हुए हैं, वहीं कई खिलाड़ी टीम में शामिल भी हुए हैं। टीम के खिलाड़ियों को टीम की नई जर्सी का भी इंतजार था। राजस्थान रॉयल्स ने बुधवार को बेहद ही दिलचस्प तरीके से जर्सी लॉन्च की। टीम के खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग सेशन के बाद बीच पर ले जाया गया था और उन्हें खुद इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि टीम की जर्सी का लॉन्च होने वाला है। बीच पर समय बिता रहे खिलाड़ी हैरान रह गए जब आसमान से स्काईडाइवर डानी रोमान स्टंट करते दिखे। डानी के हाथ में राजस्थान रॉयल्स के नाम का बैग था और बैग लेकर ज़मीन पर उतरे और खिलाड़ियों को बुलाया। रियान पराग, डेविड मिलर और रॉबिन उथप्पा टीम की नई जर्सी पहने दिखे। टीम के खिलाड़ी इस जर्सी लॉन्च से बेहद खुश नजर आए। टीम के युवा ऑलराउंडर रियान पराग ने जर्सी के लॉन्च को लेकर कहा, हमारा ब्रांड एक्सट्रीम स्पोर्ट्स और एडवेंचर के लिए जाना जाता है, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि जर्सी लॉन्च कुछ अलग और दिलचस्प होगा। मैं हमेशा से स्काई डाइविंग करना चाहता था, इसलिए किसी दिग्गज को इस तरीके से हमारा जर्सी लॉन्च करते देखना बेहद हैरान करने वाला है। आईपीएल के 13वें सीजन के लिए फ्रेंचाइजी ने अपनी टीम में कई स्टार खिलाड़ी शामिल किए हैं, मगर हर बार युवा खिलाड़ियों को मौका देने वाली राजस्थान रॉयल्स से इस बार फैंस को काफ़ी उम्मीदें हैं। आईपीएल के इस सीजन राजस्थान रॉयल्स 22 सितंबर को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ अपने अभियान का आगाज़ करेगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।